हाय गाइस, आई एम बैक एंड मैंने लिया है अपना फर्स्ट ब्रेक। अभी हो रहे हैं 9:45, तो मैंने सोचा मेरा फर्स्ट ब्रेक मैं ले लेती हूँ, वरना इसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्रेक लेने के लिए, लंच ब्रेक लेने के लिए। उसके अलावा मैं जस्ट आई शो यू, मैं पी रही हूँ कॉफ़ी एंड ठंड लग रही है थोड़ी सी, तो इसीलिए सोचा सिर्फ गर्म कॉफ़ी पी लेती हूँ। खैर, मैंने एक गुड डे बिस्किट भी खाया है अभी जस्ट, एंड अभी मैं जस्ट गर्म गर्म कॉफ़ी पी रही हूँ। सो जॉइन एंड एंजॉय। इतना अच्छा लग रहा है ना, कैन नॉट एक्सप्लेन। ऐसा लग रहा है सारा दिन वीडियो यहीं बैठे बैठे बना लूँ। गर्म लग रहा है और गरम गरम कॉफी, गले में बहुत ज्यादा दर्द है। आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरी आवाज से, इसलिए क्या कर सकते हैं, चलाना पड़ेगा जैसा चल रहा है। ना नींद पूरी होती है ना ख्वाब पूरे होते हैं, लेकिन ख्वाब तो पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ख्वाब पूरे करना है तो नींद आधी लेनी पड़ेगी। वैसे मैं बहुत अच्छी शायरियां भी करती हूँ। हाय एवरीवन, आई एम बैक। इवनिंग हो गई है, इट्स 6:30। टुडे आई एम डूइंग डबल शिफ्ट, सो आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू दिस व्लॉग आफ्टर दिस, बिकॉज मेरा मीटिंग्स रहेंगे, तो इसीलिए अभी मैंने लिया है लंच ब्रेक। और हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं उसी रास्ते पे हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने लंच ब्रेक लिया है, बट कुछ खाने का सच में मन नहीं हो रहा। थोड़ा सा दाल राइस है वो लिया था मैंने, बट मैंने वो भी वेस्ट हो गया, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा फूड वेस्ट करने के लिए। लेकिन कांट हेल्प, क्योंकि कुछ खाया नहीं जा रहा मुझसे बिकॉज ऑफ फीवर। एंड आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे फेवरेट पर्सन से मेरी बात हुई है। एंड मुझे अश्विनी का भी कॉल आया, तो शी इज़ गोइंग आउट किसी और फ्रेंड्स के साथ, तो वीकेंड है इसीलिए अश्विनी बाहर जा रही है उसके दूसरे दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं है। ऑफकोर्स अगर मुझे छुट्टी होती वीकेंड्स पे, जैसे उसको छुट्टी होती है सैटरडे संडे, तो मुझसे ही मिलती, कहाँ जाती, मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आँखें लाल लाल दिख रही है, आप लोग देख सकते हैं। ऑफिस में भी बोल रहे थे काफ़ी लोग के आई एम लुकिंग वेरी सिक। मैंने बोली या आई बिकम लाइक दिस ओनली नाउ डेज, आई डोंट नो, नज़र लग गई है शायद मेरे खूबसूरत चेहरे को। आज अच्छा लगा, बिना झगड़ा किए किसी से बात हुई, चैट पे बात हुई, अच्छा लगा। एक्सपेक्टिंग कि मेरी ऐसी बात होती रहे, सब कुछ ठीक हो जाए, आई होप। एंड और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टॉपिक था जहाँ मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो टॉपिक ये था कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये फ्रेंड विद बेनिफिट। आज तक समझ नहीं आया भाई कि इसका मतलब क्या होता है, और मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत श्योर हूँ कि बहुत घटिया सा एक रिलेशनशिप होता है। एक तो दोस्त रहो या प्यार बन जाओ, लेकिन इसके बीच में जो फ्रेंड विद बेनिफिट वाला ये जो है ना टैग, प्लीज़ ये चीज़ यूज़ ना करें, क्योंकि आप अपना एक जो प्योर सोल होता है, आप सिर्फ अपने पार्टनर को ही दे सकते हैं वो चीज़। आप किसी फ्रेंड को वो दोगे, अपनी सोल दोगे, अपना प्योर सोल दोगे, अपना बॉडी दोगे, फिर वो कहीं और जाके मुंह मारेगा, फिर आपको तकलीफ़ होगी, और फिर आपको लगेगा, फिर आप किसी और ढूँढोगे, किसी और को ढूँढोगे, फिर कोई फ्रेंड बनाओगे, फिर वही सब। मतलब ज़िंदगी में क्या चल रहा है, खेल है हाँ। और मसला ऐसा होता है ना कि एक बार अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, फिर अगर आप उनके साथ कुछ भी करें, कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशनशिप रखें, तो उस चीज़ का मतलब समझ आता है। लेकिन दोस्त बोल के अगर आप किसी को इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है मेरी नज़र में। तो वाहियात रिलेशनशिप है दुनिया का सबसे बड़ा। तो मैं यही कहती हूँ कि रहना है तो एक तो रिलेशनशिप में रहो, या तो अच्छी दोस्ती रखो,
लेकिन ये घटिया से रिलेशनशिप में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, घटिया से कोई रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड विद बेनिफिट क्या है यार, आई मीन शिट इट इज़। सो इसी के साथ ये टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, लेकिन सच में मुझे इस पर बहुत सारी चर्चा करनी थी, टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगी ऐसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टाटा।